बढ़ती हुई गेहूं की कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की पेशानी पर बल लाना शुरू कर दिया है। इस सत्र में रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद गेहूं की कीमतों का बढ़ना परेशानी का सबब है। गेहूं की बढ़ती हुई कीमत इस ओर बड़ा इशारा भी है कि गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। 2022 और 2023 में लू और बेमौसम बारिश ने उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के भंडारण में कमी आने के साथ ही घरेलू कीमतें बढ़ी हैं। चालू वर्ष में कुछ राज्यों, खासतौर पर मध्य प्रदेश में गर्म सर्दियों के चलते पैदावार पर असर पड़ा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के डेटा के अनुसार थोक गेहूं की कीमतें मौजूदा समय में 5.3% ज्यादा है। सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक अप्रैल में 16 साल के निचले स्तर 7.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। 2022 से गेहूं के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि घरेलू मांग, सरकारी भंडारण में गिरावट और कमजोर वैश्विक कीमतों के चलते भारत को 2 मीट्रिक टन गेहूं आयात करना पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की खुदरा महंगाई 6.5% है, जो चावल, तुअर की दाल, आलू, टमाटर और प्याज की तुलना में अभी भी सौम्य है। भारत 6 साल बाद गेहूं आयात फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भंडार को फिर से भरा जा सके और खराब फसलों के कारण बढ़ती कीमतों को स्थिर किया जा सके। आयात शुल्क हटाने से खुले बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। अप्रैल 2024 तक सरकारी गोदाम में गेहूं का भंडार घटकर 7.5 मिलियन टन रह गया, जो 16 वर्षों में सबसे कम है। वर्ष 2024 में गेहूं खरीद के लिए 30 से 32 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 26.02 मिलियन टन ही खरीदा जा सका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयात से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमत स्थिर होगी। हो सकता है कि रूस संभावित आपूर्ति करता होगा, जिससे भारत के गेहूं आयात की जरूरत पूरी होगी। गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों की प्रमुख फसल है। गेहूं रबी की फसल है, जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की जरूरत होती है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों, खासकर गेहूं के उत्पादन में योगदान दिया। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीन, भारत और रूस गेहूं के शीर्ष उत्पादक हैं। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब गेहूं के शीर्ष उत्पादक हैं। 6 वर्षों के अंतराल के बाद गेहूं का आयात फिर से शुरू करने का भारत का निर्णय गेहूं उत्पादन में गिरावट और सरकारी भंडार में कमी को दूर करने के क्रम में एक व्यवहारिक कदम है। कहा यह भी जा रहा है कि गेहूं आयात करने का यह निर्णय गेहूं की वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने देश में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।